इस बात पर तो हम सभी एग्री करते हैं और एक मत रखते हैं कि मान लीजिए अमेरिका में कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छी मैनेजमेंट है, कोई अच्छा नियम है, कानून है, अगर वही भारत में होगा तो भारत में कुछ ना कुछ उसमें घालमेल कर दिया जाएगा और उतनी अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर नहीं लेकर आया जाएगा। लेकिन अगर कोई बेकार चीज है, कोई किसी चीज में भ्रष्टाचारी है, कहीं घालमेल है, मैनिपुलेशन है, मतलब किसी भी चीज में कोई भी मिसमैनेजमेंट है, अगर उसको अमेरिका और भारत में कंपेयर किया जाए तो वो भारत में मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार या ऐसी कोई भी चीज ज्यादा होगी बजाय अमेरिका के। ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूं, 3.4 ट्रिलियन डॉलर का एक रिलीफ फंड, केयर फंड अमेरिका ने कोविड के नाम पर अपने देश के लोगों के लिए दिया था। उसमें क्या था, उसमें सब कुछ इंक्लूड था, ट्रीटमेंट, दवाइयां, ये वो, जो लोग लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने अपनी नौकरी खोई उनके लिए कुछ पैसा, ताकि लोग भूखे ना मरे, उनको कम से कम खाना तो मिल जाए। उसके बाद उन कंपनीज के लिए लोन जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं निकाला और उस समय में मदद की, उनके लिए एक एक्स्ट्रा लोन का प्रावधान था। तो ये सब 3.4 ट्रिलियन डॉलर का एक रिलीफ फंड अमेरिका ने अलग से अपने जो है देश के लोगों के लिए रखा था। 3.4 ट्रिलियन डॉलर की भारत की, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। अब आप सोचिए, इस 3.4 मिलियन डॉलर में अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब खुले तौर पर यह कहा है कि 3% का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और लगभग 100 बिलियन डॉलर का यह स्कैम है जो कोविड स्कैम के नाम से अब चल रहा है, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है। और होने वाला क्या है, हो ही गया है। अब इस 100 बिलियन डॉलर में क्या जो स्कैम आया है वो ये कि किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसने अप्लाई कर दिया कि मेरी लॉकडाउन की वजह से जो है नौकरी चली गई, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार ने उसे डायरेक्ट जो है उसके अकाउंट में कुछ राशि देनी चाहिए। तो बीच में जो बाबू लोग होते हैं जैसे भारत में, वैसे ही अमेरिका में होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक केस में जैसे उसने 150 व्यक्तियों की लिस्ट बनाई जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना था, जिनकी नौकरी गई या जिनको खाने पीने की जो है नहीं थे उनके पास पैसे, तो उनको खाने पीने के लिए पैसे सरकार ने दिए। अब उस 150 जो लोगों की जो अकाउंट डिटेल्स थी, और डिटेल्स थी, वो जो बीच में बाबू लोग बैठे हैं सरकार में, उन्होंने चेंज कर दी और डाइवर्ट कर दिया अपने अकाउंट्स की तरफ। $60,00,000 उस व्यक्ति ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और वो जो है जो स्कैम है ये इस तरीके से हुआ। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, रिलीफ फंड के नाम पर जैसे किसी भी कंपनी ने के पास 10 एम्प्लॉय हैं और 10 में से सरकार ने कहा कि आप ड्यूरिंग लॉकडाउन उनको नौकरी से मत निकालिए, उनको आप तनख्वाह दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए, गवर्नमेंट आपको एक लोन दे देगी अलग से बाद में, और उस लोन से आप अपनी भरपाई कर सकते हैं ताकि लोगों का भी जो है घर परिवार पेट चलता रहे और आपको भी नुकसान ना हो। अब इसमें लोगों ने क्या किया, जिसकी कंपनी है उस व्यक्ति ने एक तो दो दो लोन अप्लाई कर दिए सरकार से पैसे लेने के लिए, दूसरा उसने क्या किया, अगर उसकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं तो उसने अपने व्यक्ति दिखा दिए कि मेरी कंपनी में 20 लोग 25 लोग काम कर रहे थे जिनकी लॉकडाउन में मैंने उन्हें घर बैठकर तनख्वाह दी, सैलरी दी, अब इसका मुझे भुगतान चाहिए। इस तरीके से भी फ्रॉड हुआ। ये एक तो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो अमेरिका में जो फ्रॉड हुआ है कोविड फंड को लेकर कोरोना की महामारी के दौरान। अब ये 3% है उस फंड का जो 100 बिलियन डॉलर बैठता है। भारत में भी इसी तरीके से कोरोना रिलीफ फंड हुआ है, चाइना में भी हुआ है, हर देशों में हुआ है और हर तरीके से जो है रिलीफ जो देश के लोगों को देने की कोशिश की गई है सरकारों के द्वारा। अब ये अगर 3% अमेरिका में है तो भारत में कितना होगा, कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। और जो अमेरिका की इस जो सीक्रेट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसने एक और बात कही है कि ये जो पैसा है इसमें से 4-5 जो मिलियन डॉलर है वो हमने रिकवर कर लिए हैं, लेकिन
चार पांच बिलियन डॉलर इन्होंने रिकवर कर लिए हैं 100 बिलियन डॉलर में से, लेकिन जो और पैसा है उसके लिए अभी क्रिप्टो करेंसी का एंगल जांचना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब उन लोगों ने क्या किया, पैसे को सरकार से लिया, स्कैम किया और उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं लगा दिया। अब क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा अच्छी चीज है कि वो पैसा या कोई भी चीज वो ट्रैक नहीं हो सकती। जब वो ट्रैक नहीं हो सकती तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी या इस डिजिटल करेंसी के ऊपर बैन की बात पूरे देश में चल रही है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये हालात हैं उस देश के जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं और जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, भारत में भी या कहीं पर भी हम ये सोचते हैं कि इस देश में ये हो रहा है तो यों का यों हम उसे कॉपी कर लें और हम भी डेवलप्ड कंट्री में की लिस्ट में आ जाए। हमारे लिए एक आदर्श आज के दिन अमेरिका है, लेकिन ये हालात अमेरिका में है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये इतने भी खराब नहीं है जो शायद भारत में हो। इस एजेंसी ने जब ये रिपोर्ट जाहिर की तो सरकार ने कहा कि हम इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करते। उसी वक्त उस एजेंसी के जो हेड है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने सरकार की बात का विरोध करके ये कहा कि ये दो रिपोर्ट पर जांची गई स्कैम है, जो अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और एक तरह से उन्होंने सरकार की बात का खुलेआम पर जो है विरोध कर दिया। कैसा भारत में हो सकता है? जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, 2014 के बाद अब ये सरकार है। मान लीजिए सीबीआई ने कोई केस उजागर किया तो क्या अगर सरकार उसका विरोध करती है तो क्या सीबीआई ऐसे मीडिया में ओपनली आकर सरकार की बात को काट सकती है, बेशक उसके पास फैक्ट्स हो या ना हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका में ये जो एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज है, वो ऑटोनोमस है और वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। मतलब उस पर वहां पर किसी भी नेता को इतनी पावर नहीं है कि वो फोन करके एजेंसी में ये कह दे कि छोड़ दीजिए, जिसको आपने पकड़ा है वो मेरा भतीजा है और मैं उसका चाचा लगता हूं और मैं दिल्ली बैठता हूं, एमपी हूं। ये अमेरिका में नहीं होता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर 100 बिलियन डॉलर का ये जो स्कैम है, कोविड स्कैम है, जो अमेरिका में हुआ है, ये भारत में कितना बड़ा होगा? भारत में जो राशि अनएम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर जो ये जो खाने पीने की योजना है, जो गरीबों को 80 करोड़ जो सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री मुफ्त राशन दिया है, जिसमें राज्य सरकारें भी हैं, जो केंद्रीय सरकार भी है, उसमें क्या फ्रॉड नहीं हुआ होगा? क्या अन्य चीजों में कोई फ्रॉड होने की आशंका नहीं है? मेरी बात सिर्फ इतनी है कि क्या एक निष्पक्ष जांच भारत में नहीं होनी चाहिए? और क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारे टैक्स का पैसा कहीं खाया तो नहीं गया बाबुओं के द्वारा, जैसा कि अमेरिका में हुआ है? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।